अच्छा साथियों, हम गायिका राणा राव अम्बेडकर की ओर से आप सभी भाइयों को सादर प्रणाम। हमरा आवाज में आप लोग तमाम बिरहा सुन ली, खूब आशीर्वाद हुई। आए हाय बाबू, फिर वही जोश में यम टू म्यूजिक वर्ल्ड से भारत की राजधानी दिल्ली कांझावला की कहानी, अंजलि की निर्मल हत्या, बिरहा के रूप में सुनाने जा रही हूँ। ए बाबू, एक घटना के सुन करके सबका दिल गमगीन हो गई बा। बिरहा के रूप में सुनाने जा रही हूँ, एक घटना पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। चार लाइन भूमिका में गुरु रामा कवि जी के लिखे के पड़ल, कैसे मास्टर? ना सुरक्षित किसी की यहाँ जिंदगी, कब कहाँ किसी का प्राण निकल जाएगा, जबकि रक्षक ही कर्म से होंगे विमुख, फैसला न्याय वाला बदल जाएगा। अलविदा हो कर बाईस विदाई लिया, स्वागत इसी का दृश्य देखी आंखें फटी, दिल्ली सुल्तानी पूरी थाना क्षेत्र में अंजलि की हत्या कांड घटना घटी। ना सुरक्षित किसी की यहाँ जिंदगी, कब कहाँ किसका प्राण निकल जाएगा, जबकि रक्षक ही कर्म से होंगे विमुख, फैसला न्याय वाला बदल जाएगा। मतलब ई जिंदगी नरक बा। आय हाय बाबू, लेकिन जब प्रशासन अपन मुंह फेर लिहन तो कहां से न्याय मिली? न्याय मिलना उचित ना है, लेकिन हाय देखबा, अलविदा 22 का विदाई हुआ और 23 के स्वागत होतबा। वही 1 जनवरी के ई घटना एक अंजलि लड़की के साथ में घटल। कैसन घटना रहल मास्टर? गजल में बतावल गई। आय हाय हाय, अरे कोई लड़का से कौनो लड़की कहत है? का कहल से भैया? अरे दोनों ओर, अरे दोनों ओर छली के मोहब्बत का पानी, अरे
इधर भी जवानी, लेकिन भाव में बतावल गई। कैसे मास्टर? नहीं कोई अपना बना जग बेगाना, नहीं कोई अपना बना जग बेगाना, अरे नहीं कोई अपना बना जग बेगाना, बेगाना बेगाना चलाए दिल को हमेशा जमाना, नहीं कोई अपना बना जग बेगाना, जलाएगा दिल को हमेशा जमाना। नज्म में कबीर जी के लिखे के पढ़ल, कैसे मास्टर? यहाँ इंसान को हैवानियत ने मारा है, होता बदहाल में गरीब का गुजारा है। पुलिस प्रशासन बाधा राजनीति डोरी में, पुलिस प्रशासन राजनीति डोरी में बदल है। पुलिस प्रशासन बाधा राजनीति डोरी में, अदालत कैद है या अमीरों के तिजोरी में। अमन बिहार दिल्ली में गरीबी देखा है, अमन बिहार दिल्ली में गरीबी देखा है, एक विधवा बिचारी नाम जिसका रेखा है। पति को मारे हुए बीते कई साल सही, मगर बच्चों का वो रखती हमेशा ख्याल सही। पढ़ लिख कर बेटी अंजलि सयान हुई, पूरे परिवार के सेवा में मेहर ब्यान हुई। समझ ला कहानी हो कहां की? दिल्ली में अमन बिहार के रहे वाली एक बेसहारा विधवा, जेकर नाम रेखा बतावल गई। रेखा के पति ये दुनिया के छोड़ करके कुछ साल पहले दुनिया से सपना हो गयलन। छोटा परिवार बा विधवा माई, जेकर केहू सहारा ना बाए बाबू। अपने गरीबी में बच्चन के देखभाल, पढ़ाई लिखाई, खान पान सब कुछ देखत रहल। बड़ी लड़की अंजलि रहल, लड़की भी पढ़त लिखत बा। धीरे धीरे जब लड़की सयान हो गई भैया, तो लड़की सोचत बा कि माई हमार कब तक ऐसे ही अपने गरीबी में हमन के देखभाल करी। काश कुछ हम कोनो रोजगार करती तो हमार घर परिवार बढ़िया चलत, माई भी हमार एक सहारा मिल जात कि नहीं हमारो केहू बा सहारा। ए बाबू, लड़की पढ़ी लिखी है, लड़की संस्कारी है अंजलि,
लेकिन एक दिन भइल का उहे अंजलि फूल के सजावट का काम करत बा। फूल के सजावट के काम करे लगल, पैसा वैसा आवे लगल, और जब पैसा वैसा आवे लगल तो घर परिवार बढ़िया से चलावे लगल, माई के सहारा बन गई। लेकिन आगे का भइल मास्टर एक लाइन गीत लग गई। मास्टर हुए गीत का संकेत कर दिल कौनो सुघर लड़की हे डब्लू, कौनो सुघर लड़की शहर में बेचारी बरेजा से अपन घूमत रहे, बरेजा गाड़ी एक होले, बरेजा गाड़ी से घूमत रहे, तब तक एक ही मंझला लड़का आय करके अगवा रोक दिलस। आ जब रोक दिलस अपन भाई तो लड़कियां गड़िया में से निकल के कहवा हे तुहारी नाटक ठीक ना लगत है। लड़कियां बतावत है का बतावत है, बंदा कारा मोहब्बत के नाटक तोहरा खातनी खुली न फाटक, मोहब्बत के नाटक बंद करा। अंधकारा मोहब्बत के नाटक तोहरा खातनी खुली न फाटक, कुछो न मिली तोहरा के बैठाला भेजा में, तो गोरी बैठ के बरे जा में गोली मारे लुकरे जा में, गोरी बैठ के बरे जा में लड़की माई का सहारा तो जरूर बन गई, लेकिन सोचत बा का सोचत बा दिल में, माई के दूधे के कर्जा न चूके उनकी चरनिया में संसार झूके, माई के दूधे का कर्जा न चूके उनकी चरनिया में संसार झूके, माई के करनी कमाई के गरजे भी भुलाई हो तो वो करना ही भलाई हो, उतना रके में जाई हो, उतना ही भलाई हो, उतना रके में लड़किया कहत बा। माई का दूधे के कर्जा ना केहू चुकौले बा आ ना तो चुका सकेला, माँ बाप से बढ़ करके ए धरती पर कौनो देवी देवता ना हो। अब माई बाप का अपमान अजय ठुकरा जही उस स्वर्ग में ना बल्कि नर्क में जही। इतने कह के लड़की अंजलि माई का देखभाल करत बा। आगे का भइल मास्टर, लाचारी में रेखा मतारी खराब दोनों किडनी, लाचारी में हिम्मत नाही हारे करावे बबूनी, बेटा के फर्ज निभावे ले बिटिया लोना पले के नई सुकुटिया, बेटा
के फर्ज निभावे ले बिटिया, कोना पले ही के नहीं कुटिया। बाटे जमाना पूरा रोज समझावे माई हो, ओकर ना ही भलाई हो, उतर नरक न जाई हो। बिटिया अंजलि हर फूल सजावट के काम तो जरूर कर दबा। घर परिवार में अपन सहारा बन गए एक बेटा जैसे, बेटा के फर्ज निभावत बा के ऊ अंजलि लड़की। लेकिन ये पंचो कुछ ही दिन के बाद हो माई का तबीयत बड़ा गंभीर खराब हो गई। लड़की सोचल बा कि हम स्कूटी ले लेती और माई का देखभाल भी कर लेती। अचानक माई के जब तबियत खराब हो गई तो अंजलि लड़की हॉस्पिटल में ले जा करके माई का चेकअप वोकअप करौलस। आ जब चेकअप वोकअप हो गई भैया तो डॉक्टर साहब बतलन की बिटिया तोहरे माई का दोनों किडनी खराब बा। फिर भी लड़की अंजलि बाबू हिम्मत बांध लेती है, हिम्मत से नहीं हारती है, माई का दवाई सुई सब करावत बा एक बेटा बन करके हो। लेकिन आगे का भाई मास्टर गीत बदल गई। नया साल के दिन कौनो लड़का कौनो लड़की से इशारा करत था। कौनो लड़की के वो लड़का का इशारा करत था। पार्टी होई नया साल बाटे आज हो, देखा सब ही बनावता मिजाज हो। सबही बनावत मिजाज हो, बम्बे से चल के आइल बनारस बंडी में ही आ। जो गाड़े को ठंडी में ही आ, माल भी मंडी के ही आ। लेकिन हाई देखा एक दिन अंजलि अपने माई से कहत बा, ए माई आज साल का लास्ट महीना है, साल का आखिरी दिन है और हमन पार्टी कुछ मनावे जाते हैं और कुछ हम लेट में आई, अपन दवा ववा समय से खा ली है माई। कल 1 जनवरी बा, आज कुछ हम सहेली सखन मिल करके अपन पार्टी वार्टी मनाई। लड़की इतना बात कहत बा आगे का भाई, बीती 31 दिसंबर या जो साल हो, आए के समचाई धमाल हो। दिसंबर आज साल हो, आई तेई समचाई धमाल हो। अंजलि बोली नया साल के जश्न मनाई बेना, माई हो हम पार्टी में जाई बेना, आज कुछ देर से आई बेना। समझा करके अंजलि अपन तैयारी कर दिले अपन स्कूटी लेकर के। स्कूटी लेकर तैयारी करत बा तो लड़की स्कूटी लेकर तैयार होते चलत है। कैसे स्कूटी से चली अंजलि सज के सालोनी,
माई हो हम पार्टी में जाई बेना, आज कुछ देर से आई बेना। स्कूटी लेकर के अपने सहेली निधि के भी साथ में चलल। ए भैया कहाँ पहुंचल? बूथ गांव ओयो होटल में जाकर के वहां पे अपन जश्न मनावत बनी सर। यह हर बिरहा के शैली में बतावल गए मास्टर। पौआ में छम छम पायल छमके, ए भैया पौआ में छम छम पायल छमके, तो नाचत गावत झूमत नया साल बा आयल आयल आयल। पौआ में छम छम पायल छमके, नाचत गावत झूमत नया साल बा आयल, पौआ में छम छम पायल छमके। नया साल के जश्न लोग मनावतल है, सबके खुशी बा, पूरे देश में खुशी बा, लेकिन अंजलि और निधि के गजबे खुशी बा। ए भैया नाचत नाचत ओहन के समय कितना होत बा विदेशिया में बतावल गई। इकतीस दिसंबर साना बाईस वाली रतिया हो, घड़ी बजौला से डेढ़ बजे का समैया। आए हाय बाबू, इकतीस दिसंबर सन बाईस वाली रात बीत गई, फर्स्ट जनवरी आ गई, आने 2023। आ जब 2023 आ गई तो यहर आगे का भइल मास्टर। रूम नंबर 104 छोड़ा दोनों बाहर आईली, स्कूटी चलावे निधि अंजलि सहैया। बाबूजी कमरा नंबर 104 रहल हो ओही में निधि अंजलि अपन नया साल का खुशियां मनावत रहली, नाचत नाचत बाबू डेढ़ बजल बा, ओही बीच अंजलि में और निधि में झगड़ा बहुत बिहड़ हो गई। और अंजलि निधि में जब झगड़ा हो गई, जितना कर्मचारी रहलन वो होटल के सब समझावत हो, कह रही बेटी तुम लोग क्यों झगड़ा कर रही हो, इतना शोरगुल क्यों कर रही हो। एक ऐसा है कि आप लोग मत बोलिए, हमारे बीच और इसके बीच का बात है, हम दोनों के बीच के बात है, और आपको बीच में बोलने का कोई जरूरत नहीं है। इतना कह के बाबू अंजलि और निधि कमरा से नीचे उतर गई। आ जब नीचे उतर गए त्यौहार निधि कहलस कि अंजलि दो गाड़ी हम चलाए। निधि गाड़ी चलावे लागल, अंजलि पीछे बढ़ गई। आज पीछे बैठल ए बाबू ते आगे का भइल हो। कुछ दूर जाके फिरा अंजलि चलावे लागल, सामने से कराटक राई ना उपाया। बाबूजी गाड़ी लेकर के निधि स्कूटी ते चलावत बा, कुछ दूर जा करके अंजलि कलस की ए निधि गाड़ी रोको, दो गाड़ी हम चलाएंगे, ए गाड़ी हमारी है बाबू हो। यह निधि गड़िया दे देलस अंजलि के हो, अंजलि अपनी स्कूटी चलावे लगल और निधि तो उन पीछे बैठल। तब तक सामने से एक बिलोनो कार आवेले, वो कार जा करके बाबू स्कूटी में लड़ गए। तब त
तो राजा वाली पता निधि फंसी गईली नीचे कैसे अंजाली ए दई ए बाबू ओ बेलनो कार जब स्कूटी में लड़ गई हो तैहरी अंजलि जो नौकर सहेली अंजलि के जोन निधि सहेली रहल निधि बच जाले और अंजलि ओ बिनोलो कार में बाबू अंदर घुस जाले हो। यहाँ पे सवाल उठता है जिस स्कूटी गाड़ी पे अंजलि और निधि दोनों सहेली बैठी हैं और निधि कैसे बच गई और अंजलि कैसे गाड़ी में घुस जाती है, ये सोचने वाली बात है साथियों। आगे का भाई मास्टर गीत बदल गई। कौनो दुल्ही नई नवेली बेचारी आई बा, दुल्हा राजा परदेश में हुआ, ओके बड़ा तकलीफ होता। ओ बतावत है का बतावत है, जाके पुरु बवा कौने सबत पे लो भाई है। अरे सोना जैसे जवानी माटी बना देला। आए हाय बाबू, लेकिन भाव कितना सुंदर लिखल गई। कैसे निधि खातिर सवाल है, कैसे दुर्घटना कोई दूसरा से ना बताइए हो जाए, कब कहां घटना हो जाए। लेकिन राज वाली बात यह है कि आखिर निधि जब अंजलि का एक्सीडेंट हो गई, निधि हर केहू के ना सूचना दिलस, केहू के ना फोन करके बतौलस। सहेली होकर के एक सहेली होकर के एक सहेली का मदद ना कैलस और भाग गई अपने घरे। आ जब भाग गई तब 13 किलोमीटर गाड़ी लासा घिसरा बलस कोई खबर हो न पावला। जाना वाला
रे बाबू, यहाँ जब निधि घरे चल आयल हो, यहाँ बेलोनो कार में अंजलि के लाश फसल बा, और वो बेलोनो कार 13 किलोमीटर गाड़ी खींचत खींचत ले गई अंजलि के लाश की। जब सुबह भइल बा तब पुलिस वाले सूचना दिलन के अंजलि के माई के कि ऐसा है कि आपके बेटी अंजलि का एक्सीडेंट हो गया है। इतना बतिया जब माई रेखा सुनलस हो, एक तो दोनों किडनी फेल बा बाबू, बिटिया के जब मौत का खबर सुनलस कि हमरे बेटी का एक्सीडेंट हो गइल बा, तो माई कहत बा कि ये साहब हमरे के हुआ कि पाछे बा नहीं, कोनो गाड़ी भेज करके हमके वहां तक हमरे बेटी का सौ देखाव दे के हमके कोनो उपाय करके ले चलता साहब। पुलिस वाले गाड़ी जरूर भेजते हैं साथियों, रेखा माई के ले करके लोग वहां पे पहुंचलन हो। माई रोत बा, भाव लग गए, कैसे मास्टर माई कैसे रोत है क्यों हो बेटी, हे बेटे इस बुढ़ाई समय में इतना बड़ा हमके काहे सदमा दिखलो बेटे। माई रोत बा, हो कैसे भैया क्यों हो बेटी, क्यों हो बेटी चली गईलू बिसराई, कहां पंचीवन के उड़ गई रे। इतना बड़ा सदमा अपने ये दुखियारी माई के कहे देलू बेटी, और ये माई कहत बा का कहत बा बाबू, बाबू ते घुमा वाले लासा ना देखा वाले पुलिस वाले अन्यायी, माई अंजलि का रेखा मतारी दुखियारी माई इहे कह कह के रोत बा कि बिटिया
तोके देखे बदे के तोहर माई तड़पत बा हो। पुलिस वाले हमरे साथ में बहुत अन्याय करतलन। यार पुलिस वाले कलन की नाई तोरे बेटे के एक्सीडेंट हो गइल बा, अब दिखाएंगे तब दिखाएंगे, लेकिन बिटिया के हमरे अभी तक ना देखौलन। आ यार भाजपा वाले बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे दे करके बाबू मार रहे हैं। आज हमरे बहन बेटी का कोनो मर्यादा ना बा, आए भैया लेकिन है देखबा हो आगे भइल का कि मनोज मित्तल भाजपा नेता। अरे मनोज मित्तल भाजपा नेता गाड़ी में सवार रहा, अमित मिथुन की सन गाड़ी में दीपक चलाता कार रहा। आई देखबा जिस मिलनो कार से अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था साथियों, उसी गाड़ी में भाजपा नेता मनोज मित्तल बैठे थे और साथ में अमित मिथुन किशन भी बैठे थे और दीपक गाड़ी को चला रहा है। आय हाय भैया सवाल उठता है, यहाँ पे सवाल उठता है, कोई भी क्यों जान न पाया संदेह यही पर होता है। कैसे पुलिस करती है ड्यूटी, क्या प्रशासन सोता है। अंजलि के लाश के घिसरावत घिसरावत भैया 13 किलोमीटर गाड़ी गई, का पुलिस प्रशासन सब सो गई रहल, कोई चेक नहीं किया। अरे बाप रे बाप, इसीलिए तो कहना पड़ा उन्नाव हाथरस उत्तराखंड में, उन्नाव हाथरस उत्तराखंड में भाजपा वाले दोषी हैं। दिल्ली में भी भाजपा नेता दोषी है फिर भी खामोशी है। जहां जहां ये घटना होत बा खाली भाजपा का हाथ बा। उन्नाव में भी सुमन का बलात्कार, साथ में पूरे परिवार का हत्या हुआ तो भाजपा का ही नाम आया। उत्तराखंड में अंकिता का हत्या हुआ तो भाजपा नेता पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्यन का बेटा पुलकित आर्यन का ही नाम आया। और हाथरस में भी एक दलित बेटी मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ तो भाजपा का ही हाथ रहा, भाजपा का ही नाम आया। आज भारत की राजधानी दिल्ली में भी आप लोग अंजलि का हत्या देख रहे हैं तो मनोज मित्तल भाजपा नेता भी शामिल हैं। सवाल है आए दिन हमारी बहन बेटियों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जलाई जा रही है, और राजनेता जानते हैं क्या करते हैं, देखने के बावजूद भी चुप रहते हैं। अरे वाह, क्यों? कि हमारी कुर्सी खिसक जाएगी। तो भाव कवि जी लिखे हैं पापड़ में, कैसे मास्टर? शिकार होली आए दिन आबा बेटी आए ही देशवा में, अरे शिकार होली आए दिन आबा बेटी आए ही देशवा में, अब पुलिस करे अपराधी कै मदद आए ही देशवा में। बिटिया यही देशवा में, अब पुलिस करे अपराधी का मददिया यही देशवा में। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है साथियों, जलाई जा रही है, मारी जा रही है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन आज पुलिस प्रशासन अपराधियों का मदद करता है।
आगे का भाई। अरे फंसा कौन सा यंग गाड़ी में उतनी देर तक निकलाना, यह पहली घटना ऐसी तन पर अंगुल भर कपड़ाना। सड़क पे जनता मांगे न्याय की मती आई अपने देशवा में, अक्रोध का सोला धद के सबके छती आई अपने देशवा में। एक सवाल और उठता है, आखिर कौन ऐसा अंग फंसा हुआ था उस गाड़ी में कि अंजलि का लाश नहीं निकला? 13 किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले चलाए और अंजलि का लाश छूटा तक नहीं। यह पहली ऐसी घटना है कि अंजलि के शरीर पर अंगुल भर कपड़ा नहीं था, फिर भी कौन सा अंग ऐसा फंसा था? आए हाय बाबू, न्याय मांगे बदे के, अंजलि के न्याय मांगे बदे के जनता दिल्ली के रोड पर उतर आई। आगे कहना है मास्टर आल्हा में बतावल गई क्या बात है। अरे कांडा कांझा वाला पूरे भारत की रुआ वाला से भैया, काही ना सुरक्षित बेटी हाय सार का, हमारी बहन बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है। सरकार यही आवाज दी थी कि बेची अरे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आखिरकार ये बाबू ऐसे ही हत्या ऐसे ही बलात्कार ऐसे ही लड़किन के जलावल जाए तो कैसे हमार बहन बेटी पढ़ी हन, कैसे सुरक्षित रही हन। लेकिन आगे का भइल, अरे दीपक दूधा वाले घी साथी लड़की के देखला भैया, पुलिस के सूचना फोना कि ये 22 बार दीपक दूध वाले दूध ले बदे के इंतजार करत रहे। ओही समय दीपक देखलन कि एक कार में लड़की का शव घिसरा था, अने लड़की का लाश घिसरा था, कोनो लड़की फसल बा। यार पुलिस वाले के 22 बार दीपक फोन कलन उ दीपक दूध वाले, लेकिन पुलिस प्रशासन बाबू मौके पर वहां नहीं आई। अरे फिर भी न पुलिस वाले अहिले मौका पर पंचो, सुल्ताना पूरी थाना कंझवाला लचा, भोरावे में गाड़ी गई आशुतोष के भवन माये भैया, आ टेम्पू से पांचो या पा राधी भय फरा, घटना करने के बाद बाबू यहर जितना अपराधी पांचों रहलन हो जा करके आशुतोष के मकान पे गाड़ी खड़ा करके आ टेम्पू से भाग गलन सा। आ जब भाग गलन सा तब आ रोहिणी से कटर में पका खूनी गड़िया भैया, पांचो अपराधी होई कैले गिरफ्तार, गिरफ्तार
जब प्रशासन गए लिए पंचो तो रोहिणी सेक्टर में उहे खूनी गाड़ी पकड़ा गई। जब खूनी गाड़ी पकड़ा गई तेहर पांचो अपराधी गिरफ्तार भेलन। जब पांचो अपराधी गिरफ्तार भेलन तो एक सवाल उठता है, क्या सवाल उठता है? फिर भी 302 कहना रपटा लिखाई द भैया, कबन करण लिखे धारा 304। ए बाबू, यहाँ अंजलि के इतना बड़ा घटना होने के बाद फिर भी, ए बाबू यार गाड़ी भी पकड़ी गई, यार गाड़ी भी पकड़ा गई, अपराधी भी पकड़ा गए, लेकिन धारा 304 क्यों लगाया गया? मैं बताती हूँ कि धारा 302 लगना चाहिए तो 304 क्यों लगाया गया? एलजीयू पर राजपाला करेली पपोती भैया, काहे दया ही न भैले विनय कुमार। अरे दो दिन बाद निधि आरोप लगवली भैया, शराब के नशा में सहेली हमार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, बात साफ भई ल बाबू, झूठी कहानी गढ़े निधि बार बार। भाजपा सरकार में न्याय कैसे मिली है भैया, दिल्ली पुलिस प्रशासन पर केंद्र अधिकार। आय हाय बाबू, यहाँ विनय कुमार सक्सेना जी एलजी उपराज्यपाल का लिपापोती करत हुआ सरकार, यहाँ उनिधि उनिधि बाबू आरोप लगावत बा अंजलि के ऊपर। जब पूछताछ पुलिस वाले करे लगलन, मीडिया वाले भाई जब पहुंचलन पुलिस लेकर के निधि के क्वार्टर पे, ओ समय बाबू पूछताछ जब करे लगलन तो निधि इहे कहत बा कि हमार सहेली अंजलि, हम साथ में सर जरूर रहनी, लेकिन अंजलि बहुत काफी शरापी हुई थी। ए भैया, ये हर पुलिस वाले ले जा करके अंजलि के लाश के पोस्टमार्टम करौलन। जब पोस्टमार्टम भइल तो ना तो रिपोर्ट में याद बा, ना तो अंजलि का कोई बलात्कार हुआ है और ना ही तो शरापी है। के सही कहल जाओ ये बाबू। हाय देखा, यहाँ दिल्ली केंद्र शासित राज है, दिल्ली की पुलिस पर मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है, दिल्ली के पुलिस के ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अधिकार है। अमित शाह को हटाने के लिए दिल्ली के सारे जनता सड़क पे बाबू उतर आए हैं कि अमित शाह का इस्तीफा हो। आए है ये बाबू, लेकिन आगे का भइल हो खड़ी के भाव लग गए। सफेद पोश में अपराधी समाज छिपल बा, तनिधि के दिलवा में हत्या के सब राज छिपल बा।
सफेद पोश में अपराधी समाज छिपल बा, निधि के दिलवा में हत्या के सब राज छिपल बा। अंजलि का हत्या जोन भइल बा, घटना जोन भइल बा, निधि के सारा जानकारी मालूम बा, सारा राज ओकरे अंदर बा। अंजलि का कैसे घटना भइल बा ई सब निधि के जानकारी बा। लेकिन आगे का भई, अरे होटल का कमरा बुक निधि के नाम से, आ कुछ देर निकलल रहली छोड़ के कौने काम से। खामोशी में सातीर, अरे अंदाज छिपल बा, निधि के दिलवा में हत्या के सब राज छिपल बा। जोने होटल में पार्टी निधि अंजलि मनौले रहे से बाबू, उ होटल का कमरा निधि के नाम से बुक रहा। कुछ देर खातिर वो निधि आखिर कौने काम से निकल रहे। निधि से मैं पूछती हूँ कि अरे निधि, तुम्हारी वो जिगरी दोस्त थी, तुम्हारी वो सहेली थी, एक सहेली हो करके एक सहेली का मदद नहीं की, धिक्कार है तेरी जिंदगी पर, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। अरे कम से कम तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी सहेली का घटना हुआ, मौत हुआ, तुम्हें तो पुलिस वालों को फोन करके बताना चाहिए, उसके माँ को फोन करके बताना चाहिए, और तुम्हें उसका मदद करना चाहिए। तुम घर भाग गई और तुम कह रही हो कि आज अंजलि शराब पी करके मर गई। आय हाय बाबू, इतना बड़ा राज वो खेल खेल रही है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन निधि के जग घरे पहुंचलन हो, वहां पे जा करके पास पड़ोस में पूछतलन, आगे का भइल मास्टर। पड़ोसी निशांत को क्यों निधि धमकाई, अंजलि की रक्षा में कौन सामने ना आई। रहस्य के पर्दा में घटना आज छिपल बा, निधि के दिलवा में हत्या के सब राज छिपल बा। निधि का जांच हो रहा है, पुलिस प्रशासन मीडिया भाई जब निधि के नयका मकान पे जब पहुंचलन तो निशांत नाम के लड़के से बाबू सारा निधि के बारे में जानकारी लेत हुआ। जब जानकारी लेत हुआ तो निशांत नाम का लड़का जब जानकारी बतावे लगल ते हर निधि फोन करके निशांत के डांटत बा, कौन निशांत मेरे बारे में क्या तुम उल्टा सीधा पुलिस वालों के सामने बता रहा है, देखो अच्छा नहीं होगा, मेरे बारे में कुछ अब मत बताना। इतने बाबू निशांत नाम का लड़का जोन रहल हो पूरा निधि का बात रिकॉर्ड के ले रहल, पुलिस प्रशासन के सामने मीडिया के सामने बाबू निधि का रिकॉर्ड भी सुना दिल बार निधि वा। अरे निधि, अंजलि की हत्या का कातिल आखिर कौन है? प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन है कि अंजलि को न्याय देने का काम करें। ऐसे हमारे बिरहा समाप्त भइल। अंतिम लाइन कहना बा, गुरु गणेश गुरु राम लाल गए स्वर्ग में बच्चन पावन, रामदेव चंद्रिका कवि अरे पुजारी राम खेलावान।
पौआ में छम छम पायल छमके तराना रमा कभी हो गया कल।